फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप भी वीवो का स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो वीवो के स्मार्टफोन में एक फीचर है जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारे पास है वीवो का V95 मोबाइल, जिसमें हम वीवो के एक फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिसके मदद से आप पता लगा सकते हैं आप कितने किलोमीटर रनिंग किए हो या चले हो। तो सिंपली जब आप वीवो का स्मार्टफोन ओपन करते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो स्लाइडिंग नीचे करना होता है, स्लाइडिंग आपको नीचे करना है। जैसे आप स्लाइडिंग में नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ब्लू आइकॉन में एक आइकॉन दिखाई देगा, जो कि है जियो स्मार्ट सेंस। तो जो भी स्मार्ट सेंस इस फीचर्स का नेम है, इसके फीचर्स के तहत आप यहाँ पता लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर आपको फीचर दिए गए हैं। इसमें आपको कि स्पोर्ट्स का फीचर दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स के फीचर में आपको इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको बताया गया आपका डेली स्टेप कितना चले हो, मतलब आपने सुबह से यहाँ पर कितना किलोमीटर रनिंग किए हो, ये पता लगा सकते हैं। अभी देख सकते कि हमारे टोटल जो स्टेप काउंटिंग हुए हैं, इसमें आपको 5588 हमारे स्टेप काउंट हो गए हैं। इसमें यहाँ पर टोटल किलोमीटर का डिस्टेंस के हिसाब से हम 4 किलोमीटर यहाँ पर चल चुके हैं, और यहाँ पर हम कैलोरी कितना बर्न किए हो इसके बारे यहाँ पर आपको दिया जाता है। जो हमने 4 किलोमीटर रनिंग करने के बाद, मतलब चलने के बाद 168 कैलोरी बर्न किया है। यहाँ पर आप डेली का रिकॉर्ड देख सकते हैं, पिछले महीने का, यहाँ पर हर दिन का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसमें आपको कितना अगले दिन या पिछले दिन, हर दिन का यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि आप कितना चले हो। तो इसके बाद जब आप स्पोर्ट में रनिंग करते हो तो रनिंग के लिए आपको ये ऐप फीचर बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें आपको GPS परमिशन ऑन कर देना है और रनिंग स्टार्ट कर देना है, और आपने रनिंग का टारगेट यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर एक्यूरेट आपने कितना किलोमीटर रनिंग किया हो ऑटोमेटिकली बता देगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट रनिंग वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद आपको अलाउ जो ऑप्शन है, मतलब आपको GPS परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको GPS ऑन कर देना है। GPS ऑन करने के बाद ही आपका GPS से मेजरमेंट होगा कि आप कितना किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर टारगेट सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जाके आप सीधा अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, मतलब आप कितना किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पर अपना 10 किलोमीटर कितना किलोमीटर रनिंग करना है टारगेट सेट कर देना है, और स्टार्ट रनिंग पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे स्टेप माइनस से काउंटिंग हो जाएगा। तो हम सीधा यहाँ पर रनिंग करना है, अपने हाथ में या पॉकेट में मोबाइल रख के रनिंग कर देना है। और जब जिसने आपने जितना गोल टारगेट रखा था, उसी टारगेट के आपको अलार्म भी बजेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अपना टारगेट कंप्लीट हुआ है। तभी पॉसिबल होगा अपना GPS आपको परमिशन अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर एंड कर देना है। एंड करने के बाद एंड वाले बटन पर प्रेस करके रखना है, तभी यहाँ पर अपना एंड हो जाएगा। बैक आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर डिटेल्स में आपको दिया गया है, आप कितना टेले हो वगैरह सब कुछ। तो इसी तरह आप वीवो के स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो इस फीचर्स का आप शानदार तरीके से आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, अदर स्मार्टफोन के लिए भी एक एप्लीकेशन है, जो कि स्टेप काउंटर प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है। सिर्फ आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।